अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा जो MCQs हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं अभी अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और हो सके तो एक नज़र इसको देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट MCQs पेपर क्लास से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा, जो हमारे पास मैंने भी चैप्टर स्टार्ट किया लेक्चर 101 में, वो यूनिट नंबर 4 का है, सीक्वेंस सीरीज। सही है, सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 4 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अगर MCQ ऐसा पूछा जाए कि अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ, तो याद रखना वो नेचुरल नंबर होता है। कोई भी सीक्वेंस जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं फंक्शन। कोई भी सीक्वेंस जो होती है उसे हम कहते हैं क्या, फंक्शन। और उसकी जो डोमेन होती है ना, डोमेन का मतलब जो उसमें इनपुट होते हैं, इनपुट का ताल्लुक हमेशा किससे होता है, नेचुरल नंबर से। ये बात याद रखिएगा। मैं तुम्हें डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी सीक्वेंस के बारे में पूछा जाए कि सीक्वेंस क्या होती है, तो आप बोलेंगे सीक्वेंस जो होती है वो एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन की जितने भी इनपुट होते हैं, मतलब डोमेन होती है, वो तमाम के तमाम डोमेन यानी इनपुट का कनेक्शन किससे होता है, नेचुरल नंबर से। क्लियर हो गई बात। सेकंड है, इफ़ कैपिटल H इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन X एंड Y, देन। बेटे आप सबको पता है कि अगर दो नंबर्स X और Y हैं, तो उनके दरमियान जो हार्मोनिक मीन होगा वो 2XY अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। तो हार्मोनिक मीन हमेशा बराबर होता है 2XY डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई के। इतनी बात क्लियर है। तो जब भी आपको कोई हर नंबर दिए जाएँ दो एक्स और वाई, और आपसे कहा जाए कि उनके दरमियान हार्मोनिक मीन मालूम करो, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई सम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। तीसरा पॉइंट है, If an minus 1 is equal to n plus 1 and a4 is 14, then a5, बेटा वो a5 की वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, an minus 1 is equal to n plus 1 दिया हुआ है, और वो a4 की वैल्यू आपको 14 दे रहा है, तो a5 की वैल्यू बतानी है। तो देखो, a5 की वैल्यू बताने के लिए बेटा इस पूरी एक्सप्रेशन में जहाँ भी n आए ना, उस n की जगह 5 फुट करवा दो। देखो, मैंने n की जगह जब 5 फुट करवाया तो ये a5 बन गया, मैंने n की जगह 5 फुट करवाया तो n-1 यानी 5-1 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मैंने राइट साइड पे भी n की जगह 5 फुट करवा दिया तो 5+1 से आंसर 6 आ जाएगा। अब ये बन गया a5-a4 इज इक्वल टू 5+1 यानी 6। अब इसमें जहाँ भी a4 आया ना बेटा, उस a4 की जगह देखो a4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14। तो जहाँ भी a4 आया उस a4 की जगह वैल्यू पुट करवा दी 14, -14 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा +14, और +14 में जब आप 6 ऐड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 20, तो a5 का आंसर आ जाएगा 20। मकसद कहने का ये कि अगर an-1 बराबर n+1 के है, और वो आपको a4 की वैल्यू 14 दे रहा है और a5 कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो बेटा इसमें जहाँ जहाँ भी n आए ना, उस n से एक बड़ा नंबर पुट करवा देना। यानी तुम्हें जो भी नंबर निकालना हो ना, 5 अगर निकालना है, तो उसमें n की जगह 5 फुट करवा देना। तो n की जगह तुम 5 फुट कराओगे, यहाँ भी 5 फुट कराओगे, तो ये 5 फुट कराओगे तो a5 हो जाएगा, यहाँ 5 फुट कराओगे तो 5-1 मतलब 4 हो जाएगा। a4 की वैल्यू 14 दी हुई है, 14 में जाके +14 हो गया, 14 में 6 को ऐड किया तो बन गया 20। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है कि अ सीक्वेंस an, कोई सीक्वेंस अगर है इन विच an+1 - an इज़ द सेम नंबर। यानी आप मुझे बताएं बेटे, अगर कोई सीक्वेंस है तो उसमें an+1 जो होगी वो अगली टर्म होगी और an जो होगी वो पिछली टर्म होगी। तो आपको पता है, अगर अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करने पर जवाब हमेशा सेम मिले, तो वो प्रोग्रेशन कौन सी होती है बेटे, हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान ही होती है, अगर उसमें से बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो तो जवाब में हमेशा डिफरेंस कॉमन आता है, और कॉमन डिफरेंस होने की वजह से वो जो सीक्वेंस होगी वो कहलाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, अगर an-1 an और an+1 आर 3 नंबर्स इन AP, अगर आपको ये 3 नंबर्स बेटा AP में दिए जा रहे हैं, कौन कौन से, an-1 an और an+1, अगर ये 3 नंबर्स आपको AP में दिए जा रहे हैं, तो ये कह रहा है जो मिडिल वाला नंबर होगा, उस मिडिल वाले नंबर को आप क्या कहेंगे। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर 3 नंबर्स बेटा AP में दिए हुए हों, तो जो मिडिल नंबर होता है उसको हमेशा अर्थमेटिक मीन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में a.m से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो अगर 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं AP में, तो जो मिडिल नंबर होगा उस मिडिल नंबर को आप कहेंगे अर्थमेटिक मीन यानी am। क्लियर हो गई बात। अच्छा, आप क्वेश्चन में कह रहे हैं, अगर अर्थमेटिक मीन बिटवीन c एंड d, बेटा अगर दो नंबर्स आपको दिए जाएं, एक c दिया जाए और एक d दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि c और d के दरमियान अर्थमेटिक मीन मालूम करो, तो अर्थमेटिक मीन कैसे, किस तरह फाइंड करते हैं बेटा, उन दो नंबर्स को ऐड करवाते हैं और 2 से डिवाइड करवा देते हैं। तो मैंने c और d को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कहलाएगा उनका अर्थमेटिक मीन।
अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है द हार्मोनिक मीन बिटवीन रूट टू एंड थ्री रूट टू। अब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करवाना है आपको किस किस नंबर के दरमियान, रूट टू और थ्री रूट टू। तो देखो मैंने क्या काम किया बेटा, पहला नंबर आपको दिया हुआ है रूट टू और दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है थ्री स्क्वायर रूट टू। इनके दरमियान आपको कैलकुलेट करवाना है हार्मोनिक मीन। तो बेटा इनके दरमियान हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करवाने के लिए याद करो फार्मूला क्या होता था हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन निकालने का फार्मूला होता था टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब बेटा इसमें सारी वैल्यू पुट करवा दो, जहाँ पे ए आया वहाँ पुट करवा दिया स्क्वायर रूट टू, जहाँ बी आया बेटे वहाँ पुट करवा दिया थ्री स्क्वायर रूट टू, और डिवाइड में ए प्लस बी, ए की जगह वैल्यू आ गई रूट टू और बेटा बी की जगह बी की वैल्यू आ गई थ्री रूट टू। अब इस पूरी वैल्यू को बेटा पुट करवा दो कैलकुलेटर में। जब इस पूरी वैल्यू को पुट करवाएंगे कैलकुलेटर में तो चेक कीजिएगा, बॉक्स अपॉन बॉक्स पहले बना दिया, टू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्क्वायर रूट टू है स्क्वायर रूट टू, फिर ब्रैकेट क्लोज करी, फिर ब्रैकेट में थ्री स्क्वायर रूट टू, कर्सर को आगे बढ़ाया, ब्रैकेट क्लोज करी, डिवाइड बाय ए प्लस बी यानी रूट टू प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू। तो हमने जब इज इक्वल टू प्रेस किया तो आंसर आया थ्री रूट टू डिवाइडेड बाय टू। तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन अगर आपने कैलकुलेट करवाया तो वो बन गया थ्री स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाय टू, जिस पूरी वैल्यू को बेटा मैंने सिंपल कैलकुलेटर में पुट करवा के वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा ये आंसर है थ्री रूट टू अपॉन टू। अब क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एनी जी पी द कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू। बेटा कॉमन रेशो याद करें आप किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे निकालते थे, पिछली टर्म को अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करवाते थे। तो खुद सोचो बेटे अगर एक टर्म तुम्हारे पास ए एन है तो जो उससे पिछली टर्म होगी वो तुम्हारे पास ए एन माइनस वन होगी ना, तो कॉमन रेशो कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म को डिवाइड करवा दो फर्स्ट टर्म से। तो सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाएंगे यानी ए एन को डिवाइड करवाएंगे ए एन माइनस वन से, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटे, कॉमन रेशो की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा अब क्वेश्चन में कह रहा है नो टर्म ऑफ अ जी पी इज, बेटा याद रखना किसी भी जी पी की कोई से भी टर्म ना कभी जीरो नहीं हो सकती। यानी जब भी कभी क्वेश्चन में कहा जाए कि नो टर्म ऑफ अ जी पी इज, किसी भी जी पी की कौन सी टर्म क्या नहीं हो सकती, तो याद रखना किसी भी जी पी में कोई सी भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। जीरो के अलावा बेटा प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, फ्रैक्शनल अपॉन में भी हो सकती है, आयोटा की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन किसी भी जीपी की कोई से भी टर्म कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात। अब कह रहा है अगले में द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज फाइनाइट इफ, याद रखना बेटे जब कभी भी कोई जीपी इनफाइनाइट दी जाए और तुमसे बोला जाए कि उस जीपी का सम कैलकुलेट करवाओ, तो बेटे याद रखना सम हमेशा उसी वक्त कैलकुलेट होगा जब R की वैल्यू लेस देन वन हो, यानी कॉमन रेशो लेस देन वन हो, मॉड ऑफ जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशो लेस देन वन, यानी मॉडुलस ऑफ कॉमन रेशो लेस देन वन, यानी R की वैल्यू अगर लेस देन वन होगी ना तभी हम उस GP का सम कैलकुलेट करवा सकते हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है, आगे बोल रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम एन एपी देन इट इज, आपको अच्छी तरह पता है बेटा अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो जो सीक्वेंस बनती है बेटा वो हमेशा हार्मोनिक सीक्वेंस बनती है। तो अगर कभी भी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो जो सीक्वेंस हमारे पास बनती है बेटा वो सीक्वेंस कहलाती है हार्मोनिक सीक्वेंस। अच्छा ये बहुत काम का एमसीक्यू है बेटा, ये याद रखने वाली बात है, पूरा सिंप्लीफाई सॉल्व तो नहीं करवा रहा मैं इसको आपको। अगर कभी कोई एक्सप्रेशन आपको दी जाए ना ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन, और आपसे कहा जाए कि ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो याद रखना इसमें n की वैल्यू हमेशा क्या लोगे, हमेशा जीरो लोगे। यानी अगर ये एक्सप्रेशन आपको दी जाए और आपसे कहा जाए कि ये एक्सप्रेशन अर्थमेटिक मीन है a और b के दरमियान, तो अर्थमेटिक मीन अगर ये होगी एक्सप्रेशन a और b के दरमियान तो उसके लिए n की वैल्यू क्या रखवानी होगी, जीरो। अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए ये ज़रा याद रखना, अगर यही सेम एक्सप्रेशन बेटे अर्थमेटिक मीन के लिए होगी तो n की वैल्यू जीरो रखवाई जाएगी, अगर यही सेम वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन के लिए होगी तो n की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू रखवाई जाएगी, और अगर यही सेम एक्सप्रेशन हार्मोनिक मीन के लिए होगी तो n की वैल्यू हमेशा माइनस वन रखवाई जाएगी। ये तीन बातें याद रखिएगा। तो एक्सप्रेशन एक ही है, अगर अर्थमेटिक मीन बोलेगा तो n बराबर जीरो, अगर ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा तो n बराबर माइनस हाफ, और अगर हार्मोनिक मीन बोलेगा तो n बराबर माइनस वन। इसको पूरा ड्राइव नहीं करना, ये तीन वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज को याद कर लीजिएगा इस एक्सप्रेशन के लिए। क्लियर हो गई बात ये। अब देखें अगले एमसीक्यू में कह रहा है इफ़ वन कॉमा एक्स माइनस वन कॉमा थ्री आर इन ए पी देन, बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये तीन एक्सप्रेशन, अगर ये तीन नंबर्स हमारे पास ए पी में हैं, अगर ये तीन नंबर्स हमारे पास ए पी में हैं तो बताओ उसमें से एक्स की वैल्यू क्या होगी।
सॉरी, अब मुझे बताइएगा बेटे, अगर ये तीन नंबर्स एपी में हैं, 1x-1 3, और उसमें से हमें x की वैल्यू बतानी है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि तीन नंबर जब एपी में होते हैं तो जो मिडिल वाला नंबर होता है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन होता है 1 और 3 का। तो बेटा अर्थमेटिक मीन बराबर किसके होता था, याद करो, यानी x-1 बराबर हो जाएगा पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो हमने x-1 को ले लिया 1 + 3/2, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अब 1 + 3 4 हो गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, -1 को वहाँ भेज दिया +1 हो गया, 2 में 1 ऐड करवाएंगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा 3 के इक्वल्स। क्लियर हो गई बात। तो इसने क्वेश्चन में कहा कि अगर ये तीन नंबर्स एपी में हैं तो आप इसमें से x की वैल्यू निकालो। हमने x की वैल्यू निकालने के लिए ये सोचा कि जब तीन नंबर्स एपी में होते हैं तो जो मिडिल वाला नंबर होता है वो उनके दरमियान अर्थमेटिक मीन होता है। किसके दरमियान? फर्स्ट और लास्ट नंबर के दरमियान। तो वो मिडिल नंबर हमेशा बराबर होता है 1 + 3/2 के, यानी पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व किया, आंसर 2 आया, -1 को उठा के वहाँ फेंका, 2 + 1 3 हो गया, तो x का आंसर कितना आ गया 3। अब ये कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन बताओ -2 और 8 के दरमियान। तो बेटे आपको याद है ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ±√ के अंदर ए बी। तो बेटा ए की वैल्यू यहाँ पर -2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 8 है, -2 और 8 को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या जवाब आएगा? -16। अब अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो आप सब जानते हैं कि वो बाहर आके आयोटा बन जाता है, तो माइनस साइन रूट से बाहर आके आयोटा बन गया, 16 का स्क्वायर रूट निकाला, वैल्यू 4 हो गई, तो +-4 आयोटा ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा -2 और 8 के दरमियान। क्लियर हो गई बात। इसी तरह बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, अगर किसी सीक्वेंस की आपको जनरल टर्म दी जाए -1 की पावर n और बराबर में लिखा हुआ n का स्क्वायर, और आपसे बोला जाए उसकी फोर्थ टर्म बताओ क्या है, तो बेटा फोर्थ टर्म निकालने के लिए उसमें जहाँ जहाँ भी n आए ना उस n की जगह सिंपल 4 पुट करवा देना। तो मैंने n जहाँ जहाँ आया उसकी जगह पुट करवा दिया 4। तो बेटा -1 की पावर 4, तो आंसर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 16, यानी फोर्थ टर्म की वैल्यू जो है वो 16 के बराबर हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, अगर कभी भी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो ना तो सीरीज़ को हमेशा डाइवर्जेंट सीरीज़ बोलते हैं। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज़ को बोलते हैं डाइवर्जेंट, और अगर कॉमन रेशियो यानी r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो सीरीज़ को बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो अगर r ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, अगर r लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 and 2/3 इज, मैंने आंसर निकाला बेटे 4/11। कैसे निकाल लेना हार्मोनिक मीन? उसी तरह से, यानी 2ab/a+b करवाएंगे, 2ab/a+b करवाएंगे, तो बेटा इसमें सारी वैल्यू पुट करवाओगे 1/3 a की जगह, 2/5 b की जगह, सिंप्लीफाई करोगे तो 4/11 जो है वो आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन का। इतनी बात क्लियर हो गई।